नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करने वाला हूँ यहाँ जोमैटो की, क्योंकि 7.5% के आसपास की जबरदस्त तेजी आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जोमैटो में देखने को मिली। और कई लोग इसको ये कह रहे हैं कि भाई जो एक बड़ी डील चल रही है, कह सकते हैं आप, एक बड़ी एक पूरी सर्विस में एक प्रकार से रेवोल्यूशन लाने की बात चल रही है। जिस प्रकार से जो जोमैटो है वो अपने क्लाउड किचन और बाकी रेस्टोरेंट से बात कर रही है, जिस प्रकार की एक डिलीवरी सिस्टम की बात कर रही है, उस कारण है। कई लोगों का कहना है एक बहुत बड़ी डील हुई है इनके बीच, जोमैटो और एक ब्लिंकिट के बीच। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है पूरी के पूरी, कह लीजिए जोमैटो के शेयर के ऊपर, पूरे इन्वेस्टर्स के ऊपर। और एक चीज़ है जिसके बहुत ज़्यादा कम लोग बात कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ जोमैटो राइडर्स। जो जोमैटो राइडर है उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देने की बात कर रहे हैं, तो उसके कारण जो एक वैल्यूएशन है उसमें जिस प्रकार का कह लीजिए एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और मैं आपको बता दूँ, बाकी तमाम चीज़ों से मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है जो जोमैटो के वैल्यूएशन को फ़ायदा होगा, जोमैटो के जो बॉटम लाइन को फ़ायदा होगा, वो है ईवी व्हीकल से। कैसे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा, आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल की ग्रोथ एकदम नहीं हो रही है, चैनल की जो रीच है उसे मार दिया गया है, नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं जा रहा है, इसीलिए आपसे दरखास्त है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वरना नीचे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके ज्वाइन कीजिए। आज पूरा डाउट आपका क्लियर करूँगा मैं जोमैटो के ऊपर, तो सीधा आप लेके चलूँगा मैं आपको जोमैटो के शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ना 7.44% की तेज़ी हुई, ये सबको पता है। लेकिन आगे क्या, देखिए न्यूज़ फ्लो के कारण, आपको अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं आपको एक चीज़ पता होगी कि न्यूज़ फ्लो से अगर कोई बड़ी गिरावट होती है ना, मुझे उससे डर लगता है। न्यूज़ फ्लो के कारण कोई बहुत बड़ी तेज़ी होती है, मैं उससे भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अब चलते हैं भाई मेन जोमैटो एज अ बिजनेस के ऊपर। ठीक, देखिए जोमैटो मे सून लॉन्च 10 मिनट फूड डिलीवरी रिपोर्ट। ठीक है, जोमैटो जल्द ही 10 मिनट फूड डिलीवरी लॉन्च कर सकता है। नो जोमैटो न्यूज फॉर 10 मिनट फूड डिलीवरी प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ फूड विल बी डन थ्रू जोमैटोज ओन वेयर हाउसेज। द कंपनी विल लॉन्च द ट्रायल ऑफ द प्रोग्राम इन अप्रैल 2022 विद गुरुग्राम बींग द फर्स्ट सिटी। ये गुरुग्राम में ही शुरू किया जाएगा और अपने ही एक वेयर हाउस में, कह लीजिए किचन पूरा डेवलप किया जाएगा कि भाई आप अपने अपने आकर के जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट रहेंगे वो अपना आकर के एक शेफ छोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसे करेंगे। और एक जैसे अमेजोन का वेयर हाउस होता है बड़ा सा, वैसे जोमैटो का एक किचन होगा। और ये जो फैसिलिटी है ये गुरुग्राम में शुरू की जाएगी। ठीक है, क्या ये अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं, मैं एकदम खिलाफ हूँ 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम के दोस्तों, क्योंकि आपको पता है भारत में ट्रैफिक का हाल पता है मेरे भाई, कहाँ से तुम करोगे यार, थोड़ा रहम खा लो इन डिलीवरी वालों के ऊपर। क्या तुमको 10 मिनट में खाना खाना है यार, 10 की जगह तुम आधा घंटा ही ले लो, बेचारे वैसे ही उनकी हालत खराब रहती इधर से उधर जाने में, उनको और 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम करा रहे हैं। मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। आप किसी की जान मत लो यार, बिजनेस करो, इट्स गुड, हर तरह से बिजनेस करो, किसी की जान मत ले लो बिजनेस कराने के चक्कर में। ठीक है, बट ठीक, ये सही है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है, पैसा आता है, उसके बाद कोई कुछ नहीं देखेगा, लेकिन यार कुछ ह्यूमन टच भी होना चाहिए बिजनेस में। तो ये 10 मिनट के डिलीवरी सिस्टम को मैं एकदम से डिनाय करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द कंपनी इज टॉक विद B2B सप्लायर्स पार्टनर कॉल्ड हाइपर प्योर फॉर एक्सेसिंग वेयर हाउसेज फॉर इट्स क्लाउड किचन मॉडल। हाउएवर इट मे ऑल्सो लीज आउट न्यू फैसिलिटीज फॉर द सेम। भैया ये अपने B2B बिजनेस के तहत जो हाइपर प्योर है उनके साथ एक वेयर हाउस बनाएंगे जो एक क्लाउड किचन मॉडल में काम करेगा। ठीक है, मुकंदा फूड एट सर्विस, क्या है ये भाई? Zomato had earlier invested $5 million in Mukunda Foods, a robotic company. The company designed smart robots for the automation of food preparation in restaurants. It will most likely be used by Zomato for quick preparation of food items. देखिए, ये मुकुंदा फूड्स में यही एक लॉन्ग टर्म जो बिजनेस होता है दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है वो इसी प्रकार की होती है कि भाई आप ना पहले देखते हो हमें कहाँ तक पहुँचना है, फिर वहाँ प्लान बनाते रहते हो। इसी तरह $5 मिलियन के निवेश किया था जोमैटो ने मुकुंदा फूड्स में, जो रोबोटिक कंपनी है, जो जो ऑटोमेशन और जो
फूड पैकेजिंग रहेगी, ठीक है, उसको ये फूड प्रिपरेशन रहेगी, उसको ये ऑटोमेट कर देंगे। नाउ द मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड बाय मुकुंदा फूड विल हेल्प इन स्टैंडर्डाइजेशन। द रिपोर्ट सेड इट विल आल्सो रिड्यूस द प्रिपरेशन टाइम बाय 20 to 50%। हाउएवर फॉर द फूड आइटम दैट टेक समवेयर अराउंड समवेयर फ्रॉम 12 to 18 मिनट टू गेट रेडी, इट वुड पोज अ चैलेंज। देखिए, आपको याद होगा जो जो आपका डोमिनोज है वो भी 30 मिनट की गारंटी देता था। अगर आपको एक अच्छा फूड चाहिए, एक अच्छा खाना चाहिए, कम से कम दोस्तों एटलीस्ट रेस्टोरेंट्स भी 20 मिनट लेते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा कोई रोबोट ही लगा दे रहे हो, मुझे नहीं लगता 15 मिनट से भी कम समय आपको खाने में लगेगा। हाँ, अगर आप बिरयानी बना के रख लियो, पर उठा के डाल दो, पुरानी रखे हुए हो उसको बना के दे दो, तो शायद ना हो, लेकिन हाँ खाना तो दोस्तों कम से कम 15 मिनट्स लेता है। और यही ये बात कह रहे हैं, ये एक चैलेंज होगा। अल्ट्रा फायर्स डिलीवरी सर्विस इंडिया हैव गेन ट्रैक्शन विद ग्रोसरी डिलीवरीज लाइक ब्लैंकेट एंड जैप्टो डिलीवरिंग ऑर्डर अंडर 10 to 15 मिनट्स। जोमैटो हैज ऑल्सो बीन इन टॉक्स विद ब्लिंकिन टू मर्ज विद द ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। इट हैज ऑल्सो प्रोवाइड अ लोन ऑफ $150 million टू ब्लिंकिट। और ये जो ब्लिंकिट है ना दोस्तों, जो 10 मिनट डिलीवरी करता है, उसके साथ जोमैटो ने टाई अप किया है और उसे $150 million का लोन दिया है। और इसी फूड डिलीवरी के साथ भी, वो ग्रोसरी डिलीवरी के साथ अपनी फूड डिलीवरी सिस्टम को भी ये टाई अप कर लेगा और आने वाले समय एक बड़ी तेजी दिखाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो भाई देखिए, जो ये चीज है ना, जोमैटो इन टॉक्स विद द रेस्टोरेंट अक्रॉस द कंट्री लॉन्च अल्ट्रा फास्ट 10 मिनट फूड डिलीवरी रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स स्टेटेड। ठीक है, देखिए ये सब चीजें सब बढ़िया हैं, सब ठीक है, लेकिन भाई फूड को प्रिपरेशन में ही मुझे लगता है एटलीस्ट 10 to 15 लगेगा। अब ये देखना होगा कि ये किस तरह पैन आउट होता है, लोग इसे किस तरह लेते हैं, क्या फूड का जो टेस्ट होता है खाना उसमें चेंज आएगा। क्योंकि देखिए, एज ए इंडियन हमें खाना ना 10-5 मिनट लेट चलेगा, लेकिन जब खाना आए तो बहुत ही जबरदस्त आए, क्योंकि हमारा खाना दोस्तों काफी बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत ही इत्मीनान से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, हाउ जोमैटो हाउ ब्लिंकिट मर्जर डील एड्स अ न्यू चैप्टर इन ग्रोइंग राइवलरी। अब ब्लिंकिट के कौन किसी साइड मर्ज हो रहा है दोस्तों, जोमैटो के साथ। नाउ इंडिया हैज सीन अ बूमिंग डिमांड फॉर डिलीवरी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी स्पेशली ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। जोमैटो एंड स्विगी आर आइंग द एक्सपैंडिंग क्विक कॉमर्स मार्केट इन इंडिया। देखिए, इसी चीज को लेकर के ये कह सकते हैं आप कि बहुत ज्यादा एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई क्या ये ब्लिंकिट से मर्जी जो टेन जो कह लीजिए अभी करेंटली ब्लिंकिट और जैप्टो जो 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं, जो जो सामान है घर का वो डिलीवर करते हैं, क्या इसके जोमैटो के मर्जर के बाद एक बड़ी राइवलरी शुरू होगी। तो उसमें देखिए बहुत अच्छा है, जोमैटो ब्लिंकिट डील। जोमैटो सेड इन अ स्टेटमेंट दैट इट वुड लोन एज मच एज $150 million टू ब्लिंकिट फॉर द स्टार्टअप्स नियर टर्म कैपिटल नीड्स। Zomato in August acquired a more than 9% stake in SoftBank backed Blinkit for nearly $68 million. 9% stake इन्होंने इसमें लिया हुआ है Blinkit में। और देखिए, इसे और मजबूत बनाने के लिए स्टार्टअप को वो $150 million का लोन दे रही है। और अगले दिन Zomato said it would invest as much as $400 million in the Indian quick commerce market. जो इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट है दोस्तों, वो बड़ा बूम कर रहा है और आने वाले समय में उसमें केवल और केवल तेजी ही दिखाई देगी। और जो ये लॉकडाउन होगा उसके बाद, आप देखिए जैप्टो हो गया, क्विक डिलीवरी हो गई, ये सब बहुत ही जबरदस्त बातें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बूम आया इन सब में। ठीक है, आगे देखिए, जोमैटो एंड स्विगी इसमें जो राइवलरी किस तरह बढ़ने वाली है। India has seen a booming demand for delivery of food and grocery, especially during the COVID-19 pandemic. Zomato and Swiggy are eyeing the expanding quick commerce market in India. Both of these online delivery platforms consider the quick commerce market as the next big thing in the food tech sector. ये जो quick delivery का जो idea है ना दोस्तों, ये लोगों के दिमाग में डाल करके जो delivery करने वाले हैं उनकी ही हालत खराब करेंगे। और जो ऑलरेडी जो ट्रैफिक में इतनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भगवान ना करे ये बढ़ जाए दोस्तों, क्योंकि जब डोमिनोज ने 30 मिनट डिलीवरी लगाई थी ना, रैश ड्राइविंग के मामले बहुत ज्यादा हुए थे। ठीक है, नाउ ब्लिंकिट रीब्रांडेड सेल्फ लास्ट ईयर एज इट सीईओ प्रॉमिस टू स्पीड अप डिलीवरीज ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम ग्रोसरीज टू इलेक्ट्रॉनिक्स इन अ बर्जोइंग मार्केट डोमिनेटेड बाय वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन्स लोकल यूनिट। द इंस्टेंट डिलीवरी स्टार्टअप ब्लिंकिट विच ऑपरेट इन मोर देन 20 locations अक्रॉस इंडिया ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी इन 10 मिनट्स फार लोअर देन द आवर्स और डे मोस्ट कंपिटिटर्स टेक। इन डिसंबर लास्ट ईयर स्विगी अनाउंस दैट इट वुड इन्वेस्ट
$700 million ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस इंस्टामार्ट टू स्ट्रेंथन इट्स फुटिंग इन अ हाईली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक मार्केट। और स्विगी उसी के सामने दोस्तों $700 million निवेश करी किसमें, इंस्टामार्ट में। यानी एक तरफ ब्लिंकिट है, एक तरफ इंस्टामार्ट है, और जो एक क्विक डिलीवरी सिस्टम है जो एक जल्द से जल्द पहुंचने की जरूरत है उसके ऊपर काम चल रहे हैं। देखिए फॉर मी ये बड़ा ही अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए हम, मैं एज ए ह्यूमन बोल तो रहा हूँ और कई लोग ये भी कहेंगे हाँ सही है, लेकिन जब ये आएगा ना दोस्तों और यूसेज होने लगेगा आप देखिएगा हैवी डिमांड रहेगी इसकी। मैं मानता हूँ कि इससे जो जो डिलीवरी ऐप वाले हैं वे बहुत ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते उनके पास कह लीजिए आप ना वॉशरूम जाने का, ना सांस लेने का और ना पानी पीने का कोई समय नहीं रहेगा। ठीक है, धूप में निकलेंगे आप देखेंगे रैश ड्राइविंग, अनकॉन्शियस हो जाना, ये सब के मामले शायद ना बढ़ जाएं दोस्तों। ऑलरेडी दे आर इन हैवी हैवी प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग दिस आइटम्स, और ये उनके सामने कह लीजिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आएगा। और मुझे भी ये लगता है देखिए कंपटीशन अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, और इससे सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, राइवलरी बढ़ेगी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो आप किस ओर बढ़ रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, बिजनेस एक अच्छी चीज़ है। देखिए मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पैसे बहुत कमाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ रहम करो यार प्लीज़। लेकिन देखिए जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है वो है दोस्तों ये, हाउ जोमैटोज, देखिए हाउ जोमैटोज स्टॉक वैल्यूएशन कुड बी इम्पैक्टेड बाय प्लान्स टू इलेक्ट्रीफाई फ्लीट्स। जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात चल रही है ना उससे जोमैटो के शेयर में बहुत अंतर आ सकता है। कैसे, आप देखिए इन अ नटशेल डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम अप्रोक्सीमेट 12 to 14% ऑफ आवर डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड क्लोज टू 20% पोटेंशियल सेविंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 2 watt डिलीवरी फ्लीट टेक कैन लीड टू 2 to 3% इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर ऑर्डर। यानी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है दोस्तों अगर इससे 2 से 3% का इंक्रीज हो सकता है इनके मार्जिन्स में, और मुझे ये लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है जो ई व्हीकल्स का वो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक काम करने वाला है इनके मार्जिन्स में। और मुझे लगता है ये तरीका ज़्यादा अच्छा है अपने मार्जिन्स को बढ़ाने का, और इससे दोस्तों ह्यूमेन भी रहेगा और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता है, हम यहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा इलेक्ट्रिफिकेशन मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है, और 10 मिनट्स में किसी को भी खाना नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एनालिसिस पसंद आई हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।